इंडिकेटर देखो खुल चुका है, अभी अंदर इसको डालते हैं। अभी हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है, आपको दिख रही होगी लाइट के सामने। हे गाइस, व्हाट्स अप, दिस इज विवेक एंड वेलकम टू आवर चैनल वी आर वन। तो कैसे हो आप सब? अभी आज फाइनली वो दिन है, सॉरी दिन नहीं रात है, हम जा रहे हैं राइड पर। मैं, कुछ फ्रेंड्स हैं और मेरा भाई है। ये पीछे अभी बाइक स्टार्ट हो रही है, स्लासर पर हाथ रखा है हमने एग्जॉस्ट पर ताकि कोई उठे ना। अभी टाइम आपको दिखाता हूँ, अभी अराउंड 12 के करीब होगा टाइम, रात के एकदम से। ये देख लो टाइम 11:30 हो चुके हैं, अभी 10 मिनट लग जाएंगे निकलते निकलते। अभी पीछे देख लो अंधेरा है पूरा, हम जा रहे हैं धर्मशाला मकलौड़गंज। अभी हमको खुद को नहीं पता कितने ही जाने हैं, हम 4 तो जाने पक्का हैं, बाकी पता नहीं कितने हैं। तो अभी बाइक को थोड़ा बहुत स्टार्ट करके गर्म करते हैं और चलते हैं यहाँ से। अभी रात है, 12 बज जाएंगे निकलते निकलते और देखते हैं कब पहुँचते हैं। तो बने रहना इस वीडियो में। फाइनली Z900 पहली बार जा रही है हिमाचल में, तो देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है वहाँ। तो राइड का सबसे पहला काम होता है ऑयल फिल करवाना। ये आ चुके हैं हम ऑयल फिल करवाने, और ये दोनों बाइक, और ये हमारी तीसरी। और देखो हमने स्पोर्ट की है BMW Z4 मर्सिडीज की कोई है, पता नहीं मुझे कौन सी है। काफ़ी सेक्सी लग रही थी मुझे, दूर से लगा कि Z4 है, पर नहीं, मर्सिडीज की थी कोई, मुझे इतना नहीं पता कौन सी थी, पर अच्छी लग रही थी काफ़ी, 2-सीटर थी। और देखो पूरा बंद, हमारी सिटी पूरी बंद। हमारे पूरी सिटी में 2 पेट्रोल पंप खुले होते हैं, एक पीछे एक और एक ये वाला। तो आगे पेट्रोल नहीं मिलेगा तो हमने फिल करवा लिया, मैंने नहीं भरवाया बिकॉज हम हिमाचल में जाकर फिल करवाएंगे। हिमाचल का बॉर्डर यहाँ से 20-25 किलोमीटर होगा, तो वहाँ जाकर फिल करवाएंगे, बिकॉज यहाँ पर 6-7 रुपीस महंगा है 1 लीटर पर बचते हैं, बाकी सेव करने चाहिए ऐसे पैसे जहाँ जहाँ बचते हैं। तो अभी हम उन्ना पहुँच चुके हैं और बाइक में एक नुकसान हो चुका है Z900 में, जो कि है इसका इंडिकेटर पीछे वाला लेफ्ट साइड वाला गिर चुका है, मतलब गिरा नहीं है, लमका हुआ है। तो इसलिए मैंने चारों इंडिकेटर ऑन नहीं किए, नहीं तो मैं ऐसे चलता था। अब देखो वो देखो नीचे है, आपको आगे रुक कर ढाबे पर जहाँ भी रुकेंगे वहाँ दिखा देंगे, पता नहीं मेरी किस्मत ख़राब है या क्या है। बाकी हमने चेंज तो करवाने थे इंडिकेटर, पर थोड़े टाइम बाद करवाने थे। ओ पुलिस देखो कितनी ज़्यादा पुलिस थी। तो यहाँ पर आपको कहीं रुककर कोई शॉप खुली हुई तो फेबिक्विक या सेलो टेप से काम चलाना पड़ेगा। बाकी ये है उन्ना, पूरा बंद है, अभी खींचते हैं भाई। हो काफ़ी मज़ा आ रहा है रात को राइड करने में। देखो हम 3 बाइक से और 90-100 पर चल रहे हैं। इतनी आवाज़ गूंज रही है रात को, मैं पहली बार रात को राइड कर रहा हूँ इतनी लेट, वो भी पहाड़ों की साइड, तो काफ़ी आवाज़ गूंज रही है और पूरा रोड खाली, और मौसम भी सही है। रात को राइड करने का ये फ़ायदा है, और ना मिट्टी उड़ रही है ना कुछ, रोड पूरा खाली है, लगभग थोड़े बहुत ट्रक से जा रहे हैं, थोड़ी बहुत गाड़ी है, बाकी पूरा रोड खाली है। तो ये रहा इंडिकेटर, देखो खुल चुका है, अभी अंदर इसको डालते हैं, हो गया सेट। यहाँ पर देखो बारिश हुई है कुछ ही टाइम पहले, और ऊपर भी बादल पूरे बारिश वाले हैं। देखो पूरा गीला हो रखा है, सड़क भी गीली है, पीछे तो मौसम साफ था। अभी देखते हैं पंप खुला है या नहीं, बिकॉज मेरी बाइक में फ्यूल लगभग खाली है। और ये रही मेरी बाइक। अभी हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है, आपको दिख रही होगी लाइट के सामने। ये देखो थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है, बारिश तेज ना हो यार। तो यहाँ रुके थे, पीछे बारिश हो रही है, आप देख सकते हो बाइक वो खड़ी है हमारी, दोनों तीनों सॉरी। अभी 2:30 के करीब है, अभी कुछ खाएंगे फिर यहाँ से निकलेंगे अगर बारिश रुक गई तो, नहीं तो यहीं पर
इंतज़ार करेंगे जब तक बाइक नहीं रुकती है। और बाकी आपको इंडिकेटर दिखाता हूँ बाइक का अच्छे से अभी मैं। तो ये देखो, ये रहा इंडिकेटर, बार बार खुल जाता है। अभी कहीं से सेलो टेप लेंगे या फेविकोल लेंगे, फिर इसका जुगाड़ लगाएंगे। बाकी ये तीनों रही बाइक्स। और रोड देखो पूरा खाली, और बारिश देखो वो रहा, चांद कितना अच्छा लग रहा है। वो ये रहा, मुझे लग नहीं रहा कि आज हम धर्मशाला पहुंचेंगे। मुझे लग रहा है कि रास्ते में स्टे लेनी पड़ेगी। जैसी बारिश हो रही है, अभी एक डेढ़ घंटा हो गया लगातार बारिश हो रही है, थोड़ा बहुत ड्राइव किया, अभी कुछ खाएंगे तो इसलिए रुक गए। वैसे भी रुकना ही था बिकॉज बारिश तेज़ हो रही है, तो लग नहीं रहा कि धर्मशाला पहुंचेंगे। बाकी देखते हैं। तो अभी देखते देखते उजाला हो चुका है, देखो और कितना शानदार व्यू है। तो अभी टाइम हो रखा है 5:15:20 हो रखे हैं। अभी 2 मिनट पहले मैं रुका था तो कैमरा फिट किया मैंने माउंट पर, पहले बारिश हो रही थी, बीच में बारिश रुक रही थी तो मैंने कैमरा अपने बैग में ही डाल लिया था, अभी निकाला है। और अभी 5 बज चुके हैं, देखो कितना ज़्यादा टाइम हो चुका है। अभी कांगड़ा भी यहाँ से है 15 किलोमीटर, और धर्मशाला अराउंड 38 पीछे लिखा था, और मैकलोडगंज 50 किलोमीटर लगा लो। बारिश ने पूरा काम ख़राब कर दिया, उसकी वजह से रुकते रुकते आए। पहले तो भीग गए थे, फिर अभी कपड़े सूख चुके हैं, यहाँ पर बिल्कुल भी बारिश नहीं है। और देखो यार, सुबह सुबह का व्यू 5 बजे का क्या लग रहा है यार। बाकी मौसम सही है यहाँ पर, जैसा अपने तरफ है वैसा ही है, इधर भी ज़्यादा ठंड नहीं है। बाकी मैकलोडगंज थोड़ी बहुत ठंड तो नहीं, पर मौसम ठंडा होगा थोड़ा बहुत। देखो पूरी फॉग सी, धुआं धुआं सा, ओ वाह। काफ़ी टाइम बाद पहाड़ों की तरफ आ रहा हूँ मैं, और जीनोसों को लेकर पहली बार आ रहा हूँ। एक तो डर भी लग रहा है कि हाँ बड़ी बाइक है, धीरे धीरे चलना है। अगर छोटी होती तो अपना एक्सपीरियंस काफ़ी है, पर इस पर नहीं है ना, तो धीरे धीरे चलता हूँ मैं। सबसे पीछे मैं ही हूँ, सबसे आगे मेरा भाई है। ओ वाह, क्या व्यू है सुबह सुबह का। देखो शायद कैमरा अच्छे से कैप्चर कर रहा हो, बाकी और 15-20 मिनट में अच्छी तरह से दिन हो जाएगा। हम रात को 12:30 निकले थे, अभी आप देख लेना 7-8 बजे तक हम मैकलोडगंज पहुँच जाएंगे। टनल में आवाज, वाह जी वाह। बस पहुंच चुके हैं हम कांगड़ा, बस नज़दीक ही है यहाँ से, टनल क्रॉस करते ही कांगड़ा है आगे 2-3 किलोमीटर में। और जब से मैं बाइक चला रहा हूँ मैंने काफ़ी लोग देखे यहाँ पर, मतलब लड़के देखे रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं बहुत ज़्यादा, इतने मैंने आते कभी नहीं देखे। तो अच्छी बात है, शायद फौज की भर्ती वगैरह निकली होगी तो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। अभी मेरे लेफ्ट पर रहा कांगड़ा फोर्ट, वो रहा ऊपर, आपको दिख रहा होगा वो ऊपर कांगड़ा फोर्ट है। तो इस बार तो नहीं हम वहाँ जाएंगे, बिकॉज अभी ओपन भी नहीं होगा 9 बजे के करीब होता है। और बाकी पहले मैं यहाँ पर गया हूँ, पूरी डिटेल वीडियो है यहाँ की, लिंक मैं कार्ड में डाल दूँगा, वहाँ जाकर चेक कर लो। अगर कोई जाना चाहे तो जा सकता है, वन टाइम विज़िट है, बार बार जाने के लायक मैं बोलूँगा नहीं, पर वन टाइम विज़िट है, अच्छा है, तो एक बार ज़रूर विज़िट करें कांगड़ा फोर्ट। वो रहा, और रास्ता यहीं कहीं से नीचे को होता है, वो रहा सामने रास्ता नीचे को जाता है, वो कांगड़ा फोर्ट को ही जाता है सीधा। कांगड़ा से थोड़ा सा पीछे है रास्ता, ये नीचे को जाता है, आप अगर आओगे आपको पता चल जाएगा। ये देखो ये गया नीचे रास्ता, और नीचे का व्यू देख लो आप खुद। बाकी कहाँ गया कांगड़ा फोर्ट, पहाड़ी के पीछे आ गया। ओहो पानी का फ्लो कितना ज़्यादा है। फाइनली एक गुड न्यूज़ है कि मौसम आगे बिल्कुल साफ है, कोई बादल नहीं है बारिश वाले, तो हम शायद त्रियुंड कर सकते हैं। देखो पूरा साफ है लगभग, बाकी पहाड़ों में 1 मिनट में मौसम बदल जाता है, उसका कुछ हम कह नहीं सकते। और सुबह सुबह सभी लोग जॉगिंग करने आ रहे हैं, और हमारी तरफ तो कोई उठता भी नहीं है इतनी जल्दी, सभी सोते हैं। देखो मौसम पूरा साफ है, देखो देखो कितना ज़्यादा फ्लो है। यहाँ कुछ टाइम पहले बादल फटा था, आपको पता होगा धर्मशाला में न्यूज़ काफ़ी आई थी, 2-3 हफ्ते पहले फटा था, तो उसके लिए यहाँ पर फ्लो मैंने पहली बार ही देखा है, पर इतना ज़्यादा होता नहीं है।
बाकी अभी देखते हैं जाकर क्या है, क्राउड है या नहीं। बाकी पब्लिक डर जाती है यार एक बार ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाए, बाकी देखते हैं। पर अभी तो बिल्कुल ठीक है, मैंने पूछा था कि बोल रहे थे बस एक दो दिन था वहाँ पर, बाकी बाद में बिल्कुल सेट हो गया था। बाकी आपको जाकर दिखा देंगे क्या हाल है धर्मशाला मंगलौरगंज के। सामने वो देखो पहाड़, देखो कितने बड़े बड़े पहाड़ है यार। वहाँ टॉप पर है त्रिवंड, वहीं कहीं होगा मैं तो गैस कर रहा हूँ। वैसे बहुत हाइट पर है त्रिवंड भी, आप में से कोई गया हो तो कमेंट करके बताना कि कितनी हाइट पर है वो। देखो यार कितने बड़े बड़े पहाड़ और सुबह का व्यू कितना अच्छा लगता है। अगर आप दोपहर में आओगे तो ऐसा व्यू नहीं मिलेगा आपको, सुबह तो सुबह ही होती है। और देखो पूरी ग्रीनरी ग्रीनरी, और धर्मशाला ऐसा एक हिल स्टेशन है जहाँ के रोड सबसे अच्छे हैं। वैसे कहीं मर्जी चले जाओ आप, आपको रोड इतने अच्छे नहीं मिलेंगे। देखो पहाड़, देखो कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं, वहीं जाएंगे हम। फाइनली धर्मशाला हम पहुंच चुके हैं, और अभी टाइम मुझे कुछ पता नहीं, आइडिया मेरे हिसाब से 6:30 के अराउंड होगा। और भीगने के बाद, सूखने के बाद, रात रोड पर गुजारने के बाद फाइनली धर्मशाला पहुंच चुके हैं। और क्या व्यू है, क्या व्यू है यार, ओहो। अभी मौसम बढ़िया है, ठंडी ठंडी हवा लग रही है, और अभी अपने पीछे वाले इंडिकेटर का जुगाड़ करना है मुझे, फेविक्विक लेनी है किसी से, पर यहाँ पर सभी शॉप्स बंद है अभी। अभी मैकलोडगंज जाकर देखते हैं अगर खुली हुई कोई तो, बाकी बाद में नहीं तो लगा लेंगे। ये रहा हमारा धर्मशाला, सुबह सुबह कितना खाली खाली लग रहा है। अगर ऐसे ही मैं दोपहर या शाम को हूँ, देखो यहाँ पर कितना क्राउड मिलेगा आपको। एक बार व्यू चेक मारो, पूरा धर्मशाला दिखता है नीचे। अभी हम मैकलोडगंज की ओर जा रहे हैं, यहाँ से होगा 3-4 किलोमीटर और। और ये मेरे साथी ऐसे इस पर मुझे चलाने में ना थोड़ा थोड़ा डर लगता है, बिकॉज में स्पोर्ट्स बाइक के टायर बहुत जल्दी स्लिप करते हैं, थोड़ा सा सलस होना तो डर लगता है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ यार बाइक स्लिप होकर गिर ना जाए। देखो पूरा नीचे, देखो पूरा सब धर्मशाला कांगड़ा मैकलोडगंज काफी हाइट पर है, ऐसे धर्मशाला है, ऐसे ऊपर मैकलोडगंज है। और मैकलोडगंज और धर्मशाला के मौसम में बहुत ज्यादा फर्क है, मैकलोडगंज ठंड होती है, धर्मशाला में इतना कुछ होता नहीं, नॉर्मल होता है। क्या यार ओसम रोड है, ये रोड ना मुझे सुसाइड पॉइंट कल्पा की याद दिला रहा है, वो भी ऐसा ही था, इसे थोड़ा छोटा और काफ़ी ज़्यादा हाइट पर था। ऐसे रोड था, ट्री से कवर्ड, बीच बीच में ऐसे रोड आता था। काफ़ी याद आ रही है मुझे सुसाइड पॉइंट की, मन कर रहा है कि जाऊं, पर अभी तो होकर आया हूं, अभी 2-3 महीने हुए हैं मुझे स्पीति किए हुए, तो जाकर चेक करो अगर नहीं किया तो स्पीति वाला मेरी सीरीज़। छोटे छोटे वाटरफॉल, और देखो तो फाइनली हम हैं मैकलोडगंज में। सुबह सुबह का टाइम है और हम पहुंच चुके हैं मैकलोडगंज। ये देखो कितनी बर्बादी हो चुकी है, यहाँ पर ऐसे पत्थर पहले कभी नहीं पड़े होते थे। ये रहा मैकलोड चौक,
देखो अभी सब कुछ बंद है, जल्दी आ गए हम। देखो ओ, और ये रही हमारी Z900। ये यार एक तो ये ना पता नहीं नट के एक इसका जुगाड़ करना पड़ेगा, देखो कितनी गंदी हो गई है। तो ये रहा हमारा रूम, काफ़ी टाइम बाद मिला, काफ़ी रूम्स देखे तब जाकर ये ठीक ठाक लगा और रेट भी ठीक ठाक है। तो अभी बाहर जाकर आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ मैं। अभी मैं अपने होटल के टॉप फ्लोर पर आ चुका हूँ, बाकी धूप निकल चुकी है, आपको पता चल गया होगा मेरे फेस पर पड़ रही है। और सामने का व्यू दिखाता हूँ आपको मैं। बाकी मैंने हेयर स्टाइल थोड़ा सा ये थोड़ा सा बनवाया था, बताना कैसा लगा। ये साइड से ये यहाँ पर है दो लाइनें और ये तो मेरी स्टिचिंग हो रखी है, आपको पता ही है। और सामने का व्यू कुछ ऐसा व्यू है, ये सूरज है तो इसलिए सामने दिख नहीं रहा होगा अच्छे से। और ये व्यू, ये रहा मैक्लोडगंज पूरा और वहाँ कहीं है त्रियुंड, पीछे देखो बादल है थोड़े से काले काले। बाकी ये वाली वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ, बताना ये वाली वीडियो कैसी लगी। बाकी काफ़ी हालत ख़राब होगी आते आते, 12 बजे निकले थे, 12:30 निकले थे, रास्ते में बारिश मिली, थोड़ा चले फिर रुके, फिर चले फिर रुके, ऐसा काफ़ी टाइम तक हुआ। बाद में मौसम साफ था, कांगड़े पहुंचने से 10 किलोमीटर पहले मौसम पूरा साफ था। तो अभी मैक्लोडगंज पहुंच चुके हैं, यहाँ पर अभी मौसम साफ़ है बिल्कुल, धूप निकल चुकी है। और अभी जाकर फ्रेश वगैरह होता हूँ और नहा धोकर मैं सो जाऊँगा। बाकी इससे अगली वाली वीडियो भी देखना और कमेंट करके बताना ये वाली वीडियो कैसी लगी। और अगर चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं, बिकॉज अभी तो चलो मैं ज़्यादा दूर नहीं आया, पहला ट्रिप था Z900 का, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लेना चाहिए, तो पहला ट्रिप था। तो ये वाली वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ, तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ और वीडियो को शेयर करके जाएँ अपने दोस्तों में और कमेंट करके ज़रूर बताएँ कैसी लगी। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। एक और फिर व्यू थोड़ा सा देख लो आप, ये कुछ है व्यू।